नमस्कार, श्रेष्ठ भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं मुक्ता सिंह। कनाडा और भारत के बीच खालिस्तान को लेकर तकरार बढ़ती जा रही है। इस बीच कनाडा और भारत ने अपने यहां के दूतावासों के राजनयिकों को निष्कासित कर दिया है। सवाल यह है कि आखिरकार कनाडा में वहां रह रहे खालिस्तानियों के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है, जबकि भारत लंबे वक्त से इस बात को कनाडा की सरकार के साथ उठाता आ रहा है। एक अनुमान के मुताबिक कनाडा में 14 से 18 लाख भारतीय रहते हैं। इनमें सिखों की एक बड़ी आबादी है। भारत में पंजाब के बाद सबसे ज्यादा सिखों की आबादी कनाडा में ही है। कनाडा की संसद में 18 सिख सांसद हैं। यहां तक कि साल 2019 में जब ट्रूडो की सरकार बनी थी, उसको बनाने में सबसे अहम भूमिका जगमीत सिंह ने निभाई थी। जगमीत सिंह को खालिस्तानी समर्थक माना जाता है और ट्रूडो की सरकार जगमीत सिंह के रहम पर ही चल रही है। ट्रूडो सरकार बचाने के लिए कनाडा में खालिस्तानी मूवमेंट को समर्थन दे रहे हैं। यही वजह है कि कनाडा की धरती पर भारत के खिलाफ साजिश रची जाती है। खालिस्तान के लिए खुलेआम रेफरेंडम किया जाता है, भारत के दूतावासों पर हमला किया जाता है, भारतीय राजनयिकों के कत्ल की धमकी दी जाती है और भारत के पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपशब्द कहे जाते हैं, लेकिन कनाडा चुप रहता है। ट्रूडो अपनी राजनीतिक मजबूरी के चलते भारत विरोधी गतिविधि कर रहे हैं, खालिस्तान समर्थकों का साथ दे रहे हैं। खालिस्तान का मसला कोई आज का नहीं है। ये पूरा मूवमेंट जर्नैल सिंह भिंडरांवाले ने शुरू किया था और फिर अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में हुए एक ऑपरेशन के बाद भिंडरांवाले और उसके समर्थकों को मार गिराया गया था। इसके विरोध में इंदिरा गांधी के सिख बॉडीगार्ड्स ने उनकी हत्या कर दी थी। तब भी कनाडा खालिस्तानी चरमपंथियों का गढ़ हुआ करता था। भारत की प्रधानमंत्री की हत्या के लिए जिम्मेदार खालिस्तानी समर्थकों पर तब भी कनाडा ने कोई कार्रवाई नहीं की थी और वहां पर खालिस्तानी मूवमेंट फलता फूलता रहा। हालांकि अब तस्वीर बदल गई है। भारत ने दुनिया में अपना एक मकाम हासिल किया है और हर गुजरते साल के साथ भारत की साख दुनिया में बढ़ती जा रही है और भारत अपने हितों की रक्षा करने के लिए ज्यादा संकल्पबद्ध हुआ है। और यही वजह है कि हाल में ही जब G20 की बैठक में कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो हिस्सा लेने आए थे, तब खालिस्तान का मसला उनके साथ उठाया गया था और भारत की तरफ से बयान भी जारी किया गया था। हालांकि कनाडा खालिस्तान मूवमेंट को अपना अंदरूनी मामला मानता है और इस पर रोक लगाने से इनकार करता है। G20 से वापस आने के बाद जस्टिन ट्रूडो ने दोनों देशों के बीच होने वाले बायलैटरल ट्रेड अग्रीमेंट पर बातचीत रोक दी थी। कनाडा भारत का 10वां बड़ा ट्रेड पार्टनर है। कनाडा आरोप लगा रहा है कि 18 जून को कनाडा में खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारतीय एजेंसियों का हाथ है, जिससे भारत पहले ही इनकार कर चुका है। सवाल ये भी है कि हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल वाले मामले में अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, तो कनाडा सरकार के पास ऐसे कौन से सबूत हैं जो कत्ल में भारत का हाथ होने की गवाही दे रहे हैं? हरदीप सिंह निज्जर की हत्या आपसी रंजिश भी हो सकती है। दरअसल कनाडा में गुरुद्वारों पर कब्जा जमाने के लिए खालिस्तानी गुट ही आपस में भिड़ जाया करते हैं। हरदीप सिंह निज्जर का कत्ल भी कुछ ऐसी ही रंजिश में हुआ, लेकिन जस्टिन ट्रूडो ने अपनी जांच एजेंसियों की कोताही छिपाने के लिए इसका आरोप भारत पर मढ़ दिया। कनाडा में 2025 में चुनाव होने वाले हैं और लगता है कि ट्रूडो ने चुनाव की तैयारी अभी से शुरू कर दी है। इस बार विपक्षी पार्टी ट्रूडो की पार्टी पर हावी है और राजनीतिक बयार ट्रूडो के खिलाफ बह रही है। ऐसे में भारत से रिश्ते खराब कर ट्रूडो ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो खालिस्तान के समर्थक हैं और वो इसके लिए भारत जैसे बड़े देश को नाराज करने से भी पीछे नहीं हटेंगे। जस्टिन ट्रूडो के इस बयान के बाद खालिस्तानी उनके जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं और ट्रूडो को अपना पूरा समर्थन देने की बात कह रहे हैं। जानकार मानते हैं कि भारत इस मामले में अमेरिका की मदद ले सकता है। अमेरिका कनाडा पर खासा प्रभाव रखता है और दोनों देशों के बीच बिगड़ती बात को अमेरिका बनवा भी सकता है। जिस तरह के रिश्ते भारत के अमेरिका के साथ हैं, ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि अमेरिका इस मामले में जरूर दखल देगा। जानकार मानते हैं कि जिस तरह से G20 में ट्रूडो को अलग अलग रखा गया, उसकी वजह से ट्रूडो नाराज हो गए हैं। हालांकि मोदी और ट्रूडो के बीच संबंध कभी ठीक नहीं रहे हैं। मोदी साल 2015 में कनाडा के दौरे पर गए थे, तब कनाडा के प्रधानमंत्री स्टीफन हार्पर थे। 2018 में जब ट्रूडो 7 दिवसीय दौरे पर भारत आए थे, तब भी ये विवाद खड़ा हो गया था कि भारत ने ट्रूडो को वो तरजीह नहीं दी जो वो दूसरे राष्ट्रीय अध्यक्षों को देता आया है। इस बार भी यही हुआ और अब ट्रूडो घरेलू राजनीति और निजी कारणों की वजह से भारत को निशाने पर ले रहे हैं।
हालांकि संबंध खराब करना किसी भी देश के हित में नहीं है, लेकिन इसकी शुरुआत भारत की ओर से नहीं बल्कि कनाडा की तरफ से हुई है। कनाडा अगर भारत से अच्छे संबंध चाहता है तो पहले उसे कनाडा की धरती से हो रही भारत विरोधी गतिविधियों पर रोक लगाना पड़ेगा। तो फिलहाल की इस खबर में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।